हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय देते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो रीति काल जीवन के भौतिक धरातल की कविता का काल है। भक्ति काल में जीवन की उष्मा और आकर्षण को पूरी तरह अपेक्षित किया गया था। वह धरती के पंख से मुक्ति की आध्यात्मिक व्यग्रता अभिव्यक्त हुई थी। शायद इसी के विद्रोह स्वरूप हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। रीतिकाल में अध्यात्म के स्थान पर जीवन की भूख को प्रतिष्ठा मिली। इस काल में इस वैचारिक दबाव में निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब क्या करो, आप यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पूरा लिखो। लिख लिया, वीडियो को पॉज करोगे तभी लिख पाओगे। वीडियो को रोको, अपने वीडियो को रोक करके लिखो। ये भी लिख लिया आपने, अब फिर वीडियो को पॉज करो, यहाँ से स्टार्ट करो और पूरा यहाँ तक लिखो। ठीक, ये भी लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लिया रोक करके। अब फिर तीसरा भी लिखो, तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो। चौथा पॉइंट भी लिख लो, चौथा और पाँचवा, ये रहा चौथा। तो चौथा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये भी लिख लो। अब रहा पाँचवा, तो पाँचवा भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये भी लिख लो। इस तरह आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, सो थैंक यू।